हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी जावेद अहमद मट्टो, जिसकी फोटो आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा गुरुवार को अपनी हिरासत में ले लिया है। इस चीज की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। पिस्टल अलोंग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। अभी क्योंकि कुछ घंटे ही हुए हैं अभी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद, आगे फर्दर कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। जावेद मट्टू जो है, इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि इसने वारदातों को अंजाम दिया है। 5 ग्रेनेड अटैक्स J&K में ये शामिल रहा है। 5 पुलिस वालों को अलग अलग घटनाओं में मारने में ये शामिल रहा है और डजन्स ऑफ जो पुलिस पर्सनल हैं उनको इंजरीज आई हैं इन तमाम इंसिडेंट्स में। इसके जो साथी हैं और इसकी जो अपनी प्रोफाइल है वो इस तरह से है, ये 7 हिजबुल मुजाहिदीन के ड्रेडेड जो टेररिस्ट थे, ये उनका एक पूरा मॉड्यूल था। इस व्यक्ति की पहचान जावेद अहमद मट्टो के नाम से बताई गई है। इस व्यक्ति के रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि हम आगे इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। बता दें कि इस वक्त जो हैरान करने वाली और बड़ी अपडेट ये है कि ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर के सोपर जिला में रहने वाला है और इस व्यक्ति के भाई रईस मट्टू ने भी पिछले साल स्वतंत्रता दिवस को अपने घर में तिरंगा लहराया था। लेकिन काफ़ी हैरानगी की बात है कि उसका भाई जावेद अहमद मट्टू, जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल है, सेंटर स्टेट NIA सारी एजेंसीज उसकी तलाश में लगी थी। इस समय की बड़ी खबर ये भी आ रही है कि उस व्यक्ति पे 10 लाख से ज़्यादा का इनाम था। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर इस आतंकी के बारे में पुलिस को जानकारी देता तो उसको 10 लाख से ज़्यादा इनाम मिलता। अभी जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस व्यक्ति के पकड़े जाने की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। अभी बता दें कि इस व्यक्ति के बारे में और भी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें खबर मिली है, जिसमें यह है कि कश्मीर के टॉप 10 आतंकवादियों में इस व्यक्ति ने भी पाकिस्तान में जाके प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी और इसी के साथ में जितने भी हमले हुए हैं कहीं ना कहीं इसका बड़ा हाथ है। ये मोस्ट वांटेड हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट में इसका नाम शामिल था। बाकी फिलहाल के लिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूछताछ होगी और इसकी पूछताछ के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी BBN के माध्यम से हम आपके सामने लगातार साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। 5 पुलिस वालों को अलग अलग घटनाओं में मारने में ये शामिल रहा है और डजन्स ऑफ जो पुलिस पर्सनल हैं उनको इंजरीज आई हैं इन तमाम इंसिडेंट्स में।